आसानी होता है एक ही कर खोलने में, दोनों खुल जाता है तो आसानी से खुल जाता है, करते हालत ही खराब है, सारा टायर ही खुल गया, फिलामेंट पे लगा हुआ है, बस सब चक्का में फिलामेंट का ये भी लगा हुआ है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों गाड़ी का आज काम कराना है, तो फिलहाल तो डाला वगैरह कट गया है गाड़ी का, इधर ये अलग हो गया हॉर्स, डाला उधर अलग लगा है। तो दोस्तों फिलहाल तो डाला उला काट लिए हैं, देखते हैं अभी, इसका कोई काम नहीं है, इसका जो भी काम होगा डाला का ही क्या बोलते हैं केबिन का है, इसका काम जो भी होगा शोरूम में होगा। तो फिलहाल काम होगा डाला का, और इसका काम नहीं होगा यहाँ पे, इसका गारंटी नहीं रहता है कुछ भी, तो शोरूम में जो भी होगा ये सब शोरूम में होगा। काम तो इसमें भी है, फिर पहले उसका काम कराते हैं, फिर बाद में इसको शोरूम ले जाएंगे। फिलहाल डाला वगैरह काटते हैं और आगे दिखाते हैं आप लोग के, काटते हुए दिखाने नहीं सके क्योंकि हम अकेला आदमी हैं, इसलिए नहीं तो फिर इसका प्रक्रिया पूरा आप लोग को दिखाते कि हाँ कैसे काटा जाता है, कैसे उठाया जाता है। ये रहा इसका, दो जग होता है, ये दोनों जग, तो ये दोनों जग को उधर से जो रड है उस रड से डाउन करना पड़ता है, उसके बाद डाउन करने के बाद फिर ये अपने पे लोड लेता है, फिर अपना इधर काट दीजिए फसुआ। ये रहा सब पाइप, हवा वाला लाइन वाला जो भी है ये सब खोल खाल के, उसके बाद फिर अपना काट लीजिए। ये रहा प्लेट, देखिए इस पर ही रखा रहता है, और ये एक ये भी हवा वाला है, ये लाइन वाला जो कि डाला में लाइन देता है, और ये भी हवा वाला, दो हवा वाला एक लाइन वाला, ये तीनों पाइप को खोलना पड़ता है, उसके बाद डाला खुद बाय खुद आगे बढ़ाने से निकल जाएगा, उसका एक लॉक रहता है लॉक डालने से। फाइनली दोस्तों वहाँ पे डाला तो काटे थे लेकिन टायर का खुलवे नहीं किया, मशीन से जो टाइट है कोई टायर खुला ही नहीं, तो फिर से टायर दुकान में आए हुए हैं इसको खुलवाने के लिए। अब डाला जोड़ के फिर से उसके बाद आए हैं खुलवाने के लिए टायर, फिलहाल तो डाला जोड़ेंगे, डाला जोड़ के आए हैं, फिलहाल देखिए जो जुड़ा हुआ है फिर से, फिलहाल टायर वायर ढीला करवा के उसके बाद फिर वहाँ जाके उसके बाद फिर से डाला काटेंगे तो काम होगा। ऐसे वहाँ खुला ही नहीं, डाला वाला तो काट लिए, मुझे टायर हाथ से ही खोल देंगे, अच्छा खासा बॉडी बॉडी सोडी भी है, लेकिन मशीन से टाइट कर लेता, मशीन वाला नट आदमी से भला खुलेगा, सब बॉडी फेल हो गया नट के आगे। उसके बाद पीछे टायर दुकान में आए हैं, इसको सब टायर को ढीला करवा के, थोड़ा ही दूर में किलोमीटर में दुकान है, धीरे धीरे जाके वहाँ पर लगा के उसके बाद फिर अपना ये करेंगे, टायर खुलवाएंगे काम करवाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग से, इधर टायर दुकान है, टायर दुकान में आए हुए खुलवाने के लिए, फिर जे सी बी का काम हो रहा है। एक मिनट सो फाइनली दोस्तों जग दोनों गिर गया है, कछुआ भी उठ गया है, बस अब आगे बढ़ाएंगे गाड़ी और निकालेंगे। यही जग है, इसको ही घुमाना पड़ता है, उसके बाद जाके आपका उठ जाएगा ये डाला, जैसे कि ये देखिए पूरा उठ चुका है, खाली बढ़ाएंगे निकल जाएगा।
और कोई प्रक्रिया इसमें ज़्यादा नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, सो फाइनली दोस्तों टायर वगैरह तो पूरा खुल चुका है, बस मतलब एक एक टायर खुला है, लेकिन दो टायर से भी ज़्यादा परेशानी होता है एक ही टायर खुलने में। दोनों खुल जाता है तो आसानी से खुल जाता है, एक टायर खुलने में बहुत परेशानी है। आप जग लगाइए, फिर एक टायर निकालिए, फिर उसको जग उसमें नट फंसा के दूध को ऐसे जग डाउन कीजिए, तो सारा में ऐसे कुछ है। आगे वाला के दोनों निकला हुआ है, दोनों साइड का, दोनों लिफ्ट वाले का, उसके बाद उधर का एक एक चारों साइड का मेरा कुछ सब टायर खुल के रखा हुआ है और एक एक लगा हुआ है। काम होने के बाद फिर लगेगा टायर। चारों साइड का एक एक टायर खुला हुआ है, कछुआत काट के उधर लगाए हुए हैं, मतलब केबिन। दोस्तों ठीक है, फिलहाल ये मिस्त्री जी सब काम कर रहे हैं। मिस्त्री जी सही आदमी नहीं है, बहुत खटवाते हैं। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोग से। सो फाइनली दोस्तों खाना खाने के लिए आ चुका हूँ, तो देखते हैं कितने देर बाद ऑर्डर दिए हुए हैं वही होटल में जिसमें रात में खाए थे, क्योंकि यहीं पे हैं अभी, गए नहीं यहाँ से। सो यहीं अभी काम ही हो रहा है, काम होने के बाद यहाँ से जाएंगे, हो सके आज हो जाएगा काम शाम तक। फिर ठीक है, केबिन का भी काम करवाना है, जैसे कछुआ का इंजन, मतलब शॉर्ट में बोले तो इंजन का, कोई भी समझ जाएंगे, इंजन का भी काम करवाना है, जैसे वहाँ ले जाकर उसका भी टायर दबा रहा हॉर्स वाला, उसमें भी काम करवाना है, उसको शोरूम ले जाना पड़ेगा, उसका काम यहाँ नहीं होगा। सो ठीक है दोस्तों, फिलहाल तो खाना खाने का वेट कर रहे हैं, देखते हैं खाना आता है फिर खाएंगे। उसके बाद उधर टायर उड़ सब खोल दिए हैं, काम हो रहा है फिलहाल, मिस्त्री साहब काम कर रहे हैं, ज़्यादा देरी काम नहीं है, बस टायर खोलने में ज़्यादा लफड़ा है, काम ज़्यादा देरी कर रहे हैं, मुश्किल से एक घंटा का काम है। सो ठीक है दोस्तों, फिर आप लोग से मिलते हैं खाना पीना खा के। सो फाइनली दोस्तों खाना वगैरह खा के गाड़ी में आ गए हैं, गाड़ी में क्या आएंगे, आज तो खरते खरते हालत ही ख़राब है, सारा टायर ही खुल गया। अब शोरूम ले जाएंगे तो उसका भी टायर खोलना पड़ेगा, यानी 8-4-12 को यहाँ खोले, 6 को वहाँ खोलना पड़ेगा, सारा टायर आज खोलना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा। फिलहाल आप लोग खोलते हुए नहीं दिखाने सक रहे हैं और लगाते हुए, खुलवाए तो वहाँ मशीन से, लेकिन लगाएंगे बिल्कुल नहीं दिखा सकेंगे, क्योंकि हम अकेले हैं और करते हैं, फिर करके आप लोग से मिलते हैं दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों यहाँ का तो काम हो गया सब, जो भी होना था डाला का, सब टायर वगैरह भी फिट फाट कर दिए हैं, यहाँ पे डाला लगा हुआ है, मतलब उसका टायर उड़ सब लगा लिए, काम वूम हो के उसके बाद टायर उड़ फिट कर लिए हैं। अब केबिन को लेके जाएंगे शोरूम सर्विस सेंटर, इसका काम वहाँ पे होगा, डाला का काम वहाँ नहीं होता, इसलिए कंपनी का डाला नहीं है, डाला अलग से बनाया हुआ है। सो ठीक है दोस्तों, फिलहाल जाते हैं टाटा शोरूम, शोरूम में जाके अब इसका काम करवाएंगे, उसके बाद फिर लोडिंग के लिए कहीं जाना होगा तो जाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, फिलहाल जाते हैं काम करवाने इसका। दोस्तों देखिए ये इस टाइप से होता है ट्रक का एलिमेंट, ये मशीन है, इसमें बताता है ये एलिमेंट आउट है या सही, अभी आउट है इसलिए ये लाल लाइट जला हुआ है, सही हो जाने से फिर वो भी आ रहा हो जाएगा। अभी दूसरा गाड़ी हो रहा है, इसके बाद मेरा वाला होगा, फिलहाल वही 14 चक्का है, 16 चक्का है, यही हो रहा है, उसके बाद मेरा होगा। सब चक्का में इस टाइप से मशीन लगा के चेक करता है, देखिए। सो ठीक है दोस्तों, देखते हैं अपना भी गाड़ी, ये गाड़ी उतरने के बाद मेरा चढ़ेगा फिर। फाइनली दोस्तों अब
जाके मेरा गाड़ी का एकदम छोड़ा है, गाड़ी इधर क्लेमेंट पे लगा हुआ है, बस सब चक्का में क्लेमेंट का ये भी लगा हुआ है, उससे एडजस्टिंग होता है ये। उसके बाद इस साइड में ठीक है दोस्तों, फाइनली दोस्तों गाड़ी के काम वगैरह तो करा लिए हैं, करा के इधर आ गए, मतलब डाला वाला भी जोड़ के सब मतलब फिट हो गया है, बस खाली सुबह टायर टाइट करवाना है, अभी बॉल टाइट करवाना है, जो टायर वाला नट होता है टाइट नहीं करवाए हैं, उसको सुबह टाइट मरवाएंगे खाली, उसके बाद लोडिंग में जाएंगे। फिलहाल तो खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, उसके बाद मीट है, मीट बनाएंगे, रोटी और मीट खाएंगे, चार पांच आदमी हैं साथ में, ये सब जान पहचान के ही आदमी कैरेज में आए थे, तो यहीं पे खाना पीना बना रहे हैं फिलहाल, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आए काम वाम करा के फ्री होके। सो आज तो दिन भर पूरा ही परेशान रहे दोस्तों, काम कराते कराते टायर खोलते और लगाते लगाते हालत ख़राब हो गया। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं खाना पीना बना के आप लोग से। दोस्तों खाना पीना खा के हम आ चुके हैं अपना गाड़ी में, बस अब सोएंगे यहीं पे, क्योंकि लोडिंग वोडिंग में जाना नहीं है आज, लोडिंग जो भी होगा कल 11 बजे के बाद ही होगा, दिन 11 बजे के बाद। तो सो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।